छत भी बनी रहती है ताकि हम लोग
ride a bicycle. My father taught me a ride. मतलब क्या लिखा है कि हाँ मैं bicycle से जाती थी और मेरे father मेरे पिताजी मुझे लेकर जाते थे. ठीक है, समझना आया यहाँ पर क्या हुआ है questions में कि यहाँ पर बोला है कि क्या bicycle से जाते थे और जाते थे तो किसके साथ जाते थे. तो yes मैं bicycle से जाती थी और मैं मेरे father के साथ bicycle से जाती थी. अब यहाँ पर देखिए how many children come on the bicycles to your school. क्या आपको पता है आपके स्कूल में कितने बच्चे जो है वो बाइसिकल से आते होंगे. सोचकर बताइए आप. मैंने तो यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख रखा है कि 200 स्टूडेंट तो कम से कम आते होंगे, लेकिन हो सकता है और ज्यादा भी आते हो. तो क्या लिखा है मैंने, नियरली 200 स्टूडेंट्स कम ऑन द बाइसिकल टू माई स्कूल. कम से कम 200 स्टूडेंट्स जो है मेरे स्कूल में बाइसिकल से, मेरे स्कूल में साइकिल से आते थे. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है. अब नेक्स्ट देखिए आप, जुगाड़ दिखा है ना आपको. जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़ इज अ व्हीकल. ये भी एक गाड़ी ही है. देखिए यहाँ पर आगे इन्होंने जो बाइक है वो लगा रखी है, पीछे इन्होंने इतना स्पेस लगा रखा है कि उसमें काफी बच्चे जो है वो चढ़ के बैठ चुके हैं. और ये सीन जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है. ठीक है, गुजरात में इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो बहुत देखने को मिलती है. ऐसी गाड़ी आपने अपने यहाँ पर भी देखी होगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में क्या दिखा रखा है, गुजरात. अब यहाँ पर देखिए, लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फुट 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 व्हेन इट रन. जब इसमें से आवाज होती आती है तो इसमें काफी साउंड होता है. आपने देखी होगी इस तरह की गाड़ियां कितना ज्यादा आवाज करती है. और इट इज नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरिज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड. क्या दे रखा है कि इसका आगे का जो हिस्सा है वो मोटर गाड़ी जैसा दिख रहा है, लेकिन पीछे का जो हिस्सा इन्होंने बैठने का बनाया है ये लकड़ी का बना हुआ है पूरा. इन्होंने लकड़ी से ही इतना अच्छा इन्होंने बना रखा है, उसको पेंट कर रखा है, उसको डेकोरेट कर रखा है कि उसका लुक जो है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है. तो इसको इन्होंने क्या कर रखा है, जुगाड़ कर रखा है, जिसको इन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट से और बहुत ही कम पैसे से बना रखा है. देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, जितनी भी हम लोगों ने जो गाड़ियां देखी है उससे दिखने में भी सुंदर है. अब यहाँ क्वेश्चन देखिए फर्स्ट किसी पर ही, डू यू हैव सच अ व्हीकल इन योर एरिया. क्या इस तरह का व्हीकल आपके एरिया में है. तो आपने कभी देखा है इस तरह का व्हीकल अपने एरिया में. नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैंने बड़ी बड़ी जगहों पर देखा है, लेकिन मेरे आसपास के एरिया में नहीं देखा है. तो क्या लिखूंगी मैं, नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट देयर इन माय एरिया. इस टाइप का व्हीकल मेरे एरिया में तो मुझे नहीं दिखा. अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया. वी कॉल देम शेयर ऑटो. आपके एरिया में किस टाइप की व्हीकल्स जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाती है. मेरे एरिया में या हमारे एरिया में हम लोगों को ऑटो जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है. तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, वी कॉल देम एज अ शेयर ऑटो. ठीक है, हम लोग ऑटो वाले को बुलाते हैं जब भी हम लोगों को कहीं जाना हो या कुछ भी काम हो. तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू रीड इन समथिंग लाइक दिस, व्हाई. क्यों आपको इस तरह की राइट क्यों पसंद है. ये देखिए यहाँ पर इसके लाइफ क्यों पसंद है. देखिए अपने बच्चे जो है वो मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं. तो क्या लिखेंगे आप हमको, यस आई लव टू एज इट वुड सो फन. हम लोगों को ये बहुत पसंद है इस टाइप की राइड, क्योंकि ये बहुत ही फन होता है, इसमें बहुत ही फन होता है और ये बहुत अच्छी रहती है. अब यहाँ देखिए, कैन यू टेल व्हाई इट्स कॉल्ड जुगाड़. क्या आप बता सकते हैं जुगाड़ क्यों बोल रहे हैं. कुछ सोचकर बताइए, कितनी सारी इनको मैंने चीजें बताई जिसकी वजह से इसको हम लोग जुगाड़ बोल सकते हैं. क्या है, इट इज मेड बाय लिमिटेड रिसोर्स. वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, वो बहुत ही कम चीजों से बना हुआ है. वो ऐसी चीजों से गाड़ी बनी हुई है, कि हम लोग बहुत ही इजिली सारी चीजें अवेलेबल कर सकते हैं. हम लोगों ने मोटरसाइकिल
लेस मनी विथ कम मनी के साथ, बहुत ही कम पैसे के साथ हम लोगों ने इसको बनाया है। जुगाड़ जो है